अरे यहाँ तो कोई नहीं है। अरे हाँ भैया, लेकिन आवाज तो इधर ही से आई थी। अरे बिल्ली बिल्ली होगी, इतना रात को यहाँ पे कौन आएगा इस तरफ। एकदम सही। वैसे भी हम दोनों के होते हुए यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, तो इंसान की क्या मजा। चलो प्लीज प्लीज हमारी हमारी मदद करें। गंगा, हमें स्टेशन जाना है। स्टेशन पहुंचा। अरे ये तो बेहोश हो गई, क्या करे भाई। अरे अकेली लड़की को ऐसे सड़क पर थोड़ा छोड़ सकते हैं। अरे दुनिया बहुत बुरी चीज है, अगर इसको यहाँ छोड़ दिया तो इसकी बेहोशी को कोई भी फायदा उठा सकता है। और ये बिचारी तो खुद ही कह रही थी किसकी मदद कर दो, तो हमारा फर्ज बनता है इनकी मदद करना। तो काम करो, ले चलो इसे। लेकिन कहाँ भाई। अरे वहीं स्टेशन वाले अड्डे पे। स्टेशन अरे आराम से आराम से। आप ठीक है मैडम? कौन हो तुम लोग, कहाँ ले जा रहे हो हमें? रेलवे स्टेशन, वहीं जाना था ना आपको। थैंक यू भैया। नाम क्या है आपका मैडम? गंगा। इतनी रात में आप अकेले क्यों जा रही थी? आप रास्ते में बेहोश हो गई थी, घर का है आपका? ये क्या किया हमने, अपना नाम नहीं बताना चाहिए था हमें। इन लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि हम कौन है। अरे ये रेलवे स्टेशन तो पीछे रह गया, हमें हमें यहीं उतार दो प्लीज। अरे हम कह रहे हैं गाड़ी रोको, कौन हो तुम लोग? प्लीज हमें यहीं उतार दो ना। प्लीज हम कह रहे गाड़ी रोको, प्लीज गाड़ी रोको प्लीज। कौन सी नई मुसीबत में फंस गए हम? तुम लोग को ये सब देखकर अच्छा लग रहा है? रिया कुछ नहीं कहोगे? कोई कुछ नहीं कहेगा, सब लोग बस खड़े खड़े तमाशा देखते रहेंगे। तुम भी तो एक औरत हो ना, तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने एक औरत के साथ इस तरीके का बर्ताव कर रहा है। तुम कुछ नहीं कहोगी? बुरा नहीं लगता तुम्हें? हमें इस आदमी के साथ नहीं रहना है, प्लीज हमें जाने दो, प्लीज जाने दो हमें यहां से, आजाद कर दो हमें इससे, इस घर से, इन सब रिश्तों से, हमें नहीं चाहिए ये सब। गंगा बस अब ये रोज इतना नाटक करती है, सबको परेशान कर रखा है इन्होंने, इन्हें जाने दीजिए ना, छोड़ दीजिए। शादी है ही कोई खेल या मजाक नहीं, गंगा पत्नी है ही का। ई घर में रह के हमारे परिवार का बदनामी करने के लिए काका कांड कर रही थी, और घर से बाहर जाएगी तो पता नहीं और काका करेगी, पूरा समाज हंसेगा हम पर। तुम जानते हो ना हमारे परिवार का कितना सम्मान करते हैं बाहर लोग, और सिर्फ इस सम्मान का रक्षा करना चाहता है। अब आया समझ में?
की लड़की को हम घर से काहे बाहर नहीं निकाल रहे हैं? गंगा चलिए अंदर, गंगा चलिए अंदर। आइए लड़की गंगा शिव की परपाती का हथियार है, वो यह रहने दो घर में। इस शिव को अपना दुश्मन मानती है और इसी के हाथों एक दिन शिव का विनाश होगा। अगर ये घर छोड़कर चली गई ना, शिव का गुस्सा शांत हो जाएगा और उस शांति हमारे विनाश का कारण बन सकता है। यही कह रहे हैं कि घर में रहे वह हमारे लिए अच्छा है। हम तो कहते हैं कुछ ऐसा करो कि गंगा इस घर से बाहर कदम रखने का हिम्मत भी ना करे। अब क्यों आए हो तुम शिव? अब क्या चाहते हो हमसे? तुम कितना परेशान करोगे हमें? मैं हूं भाभी। आजी, आजी, प्लीज हमारी मदद करो ना, हम यहां से निकलना है। प्लीज हम जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानेंगे। आजी प्लीज हमें यहां से निकलने दो ना, प्लीज आजी। सॉरी भाभी, पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं भी कितनी अजीब हूं ना भाभी, अपनी खुशी के चक्कर में आपकी तकलीफ भूल ही गए और यहाँ आपसे कुछ मांगने चले आए। आपको पता है भाभी, इस घर में ना सब लोग ऐसे ही हैं, सबको बस अपनी फिक्र है। आपका दुख, आपकी परेशानी, उसे किसी को कोई मतलब नहीं। सॉरी भाभी। क्या चाहिए तुम्हें हमसे? कुछ नहीं, रहने दीजिए भाभी। मैं जानती हूँ कि आप कितनी परेशान है। नहीं, बताओ ना, तुम्हें हमसे क्या मदद चाहिए, बोलो। भाभी कल मेरा बर्थडे है और मैं एक छोटी सी पार्टी रखना चाहती हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात। हाँ, लेकिन कल मेरे ससुराल से भी सभी लोग आने वाले हैं। अगर किसी को भी लगा कि भैया और आपके बीच कुछ प्रॉब्लम है तो मेरी शादी पर असर पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हैंडल कर लूंगी। रुको आशी, हम कल उनके सामने खुशी का मुखौटा पहन लेंगे। तुम्हारा बर्थडे है ना, बहुत अच्छे से मनेगा और उन लोग को कुछ नहीं पता चलेगा। बिल्कुल फिक्र मत कर, सब ठीक होगा। थैंक यू भाभी, थैंक यू। भाभी प्लीज आप जल्दी भागिए यहां से, हम सब संभाल लेंगे। आई प्रताप, प्लीज हमें जाने दो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। प्रताप प्लीज, हम आपको नहीं रोकेंगे। हमें लगता है कि श्री भाई साहब को पता है कि आपकी बेटी कृष्णा कहाँ है। प्रताप प्लीज हमारी मेरी कृष्णा के पास ले जाओ। प्रताप प्लीज, श्री भाई साहब के अलावा किसी को पता नहीं कि कृष्णा कहाँ है। कृष्णा कहाँ है?